दोस्त। हाँ सर, कैसा लग रहा है, फिटिंग हो गई सही से? हाँ, फिटिंग बढ़िया हुई है, अच्छा है। हवा कैसी है? हवा भी बढ़िया है इसकी, ठीक है ना? हाँ, चल जाएगा, चलेगा, पूरा सीजन चलेगा। चलो, बाकी आप यूज़ करके बताना कैसा लग रहा है। हाँ, वो भी देखेंगे बाद में। जैसे नहीं, मैंने लगवाया है दो तीन गाड़ियों में, पिछली साल भी लगाया था, मतलब बढ़िया इसका निकला है, फोन सही है उस हिसाब से। हाँ, बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। भाई अभी हमारे पास है वैगनार का के सीरीज वाला मॉडल, और इसमें हम लगाने वाले हैं ये वाला पंखा, मतलब जो डबल फैन है, पोर्टेबल होता है, आप कहीं भी लगा सकते हो। इसमें कुछ अलग तरीके से लगा रहे हैं और आप इसको किसी भी गाड़ी में यूज़ कर सकते हो। तो क्या इसके मतलब लगाने का क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे किस किस जगह पर लगा सकते हो, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं गाड़ी में चल के। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने ना इस गाड़ी में कुछ अलग तरीके से इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, तो आपको दिखाते हैं एक बार इसका पूरा प्रोसेस कि ये कैसे हमने इंस्टॉल किया है। एक बार म्यूजिक ऑफ कर दें। ये देखो, ये यहाँ इसमें तो हमने छत में इसको इंस्टॉल कर दिया है, ऊपर की साइड में। पंखा एक बार घुमा के दिखाना भाई साहब कैसे चलता है। यूँ तो आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो ना, लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी जगह पे। दूसरे वाला भी, और ऑन कैसे होता है, ये ऑफ है, बीच में जो बटन है उससे ऑन और ऑफ हो जाता है ना। और घुमाने के लिए, घुमाने के लिए कुछ नहीं, बस यही है। मतलब अगर जैसे एसी की हवा को पीछे भेजना है ना, तो फिर ये यहाँ पे परफेक्टली काम कर सकता है। वैसे आप चाहें तो इसको कहीं और भी लगा सकते हो, साइड में लगा लो, नॉर्मली रखना हो तो डैशबोर्ड पे रख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब एक बार बताओ, इसका कनेक्शन कैसे कैसे किए हैं? बस कुछ नहीं किया, सिर्फ इसमें से एक वायर निकाली है जो इसकी, मतलब ये छत में जो लगा हुआ है इसमें, ये चाइना नट लगे हुए हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो फिर इसको लगाया कैसे छत में? इसके अंदर चाइना नट लगा के पीछे से लोक पत्ती लगाई है, अंदर लोक पत्ती लगाई है। तो छत खोलनी पड़ी है? ये नहीं, छत खोलने की जरूरत नहीं लगी, एक रूफ लाइट खोली है खाली। अच्छा, खाली रूफ लाइट खोलने से इसकी बात बन गई है? लाइट खोल के अंदर से हाथ डाल के लोक पत्ती इसी एंगल पे अटका के इसको फिक्स किया है। अच्छा, और वायरिंग कहाँ से आई है फिर इसकी? वायरिंग पूरी पूरी पल्लों के अंदर से गई है। अच्छा, साइड से आ गई है वायरिंग के पल्लों के अंदर। और इसका जो कनेक्शन है वो हमने करंट वायर से, मतलब स्टीरियो के पीछे से कर दिया है, इसको हमने करंट वायर दिया है बस, और कुछ नहीं है। तो ये चाबी से ही ऑन होएगा, चाबी से ऑफ होएगा, और इसके बाद चाहें तो आप इसमें यहाँ से बटन से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक बार जरा करके दिखाओ बटन से, ये बंद हो गया। ये इसके अंदर हवा का भी तो चक्कर है ना, 1, 2, 1 फर्स्ट पॉइंट है इसका, ठीक है, और ये सेकंड पॉइंट है इसका। अच्छा, ये फुल हो गया। हाँ, पीछे तक हवा आ रही है वैसे अच्छे से। अच्छा, हो तो इसको बंद कर लो, नॉर्मल हो गया, यहाँ से भी बंद हो जाएगा। एक बार इसको फुल करके एक बार पंखे को घुमा के और दिखा दो। एक बार चाबी बंद करके दिखा लो पहले, ये चाबी बंद हो गई कंट्रोल। अच्छा, हाँ, ये ऑफ हो गया। चाबी कंट्रोल जैसे ही बंद हो, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है, जैसे ही चाबी चालू होगी। अच्छा, मतलब चाबी बंद है तो बंद ही है ना, फिर तो कोई मैटर नहीं है। ये चालू हो गया, ये चालू हो गया सर, सही है पहले तो। दूसरा चाहो तो हम इसको बटन से कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप ही। अच्छा, मतलब चलती गाड़ी में बंद करना हो तो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। और फिटिंग नॉर्मल है कि हम खुद ही कर सकते हैं इसको फिटिंग घर पे भी, है ना? वो इसमें दो नट लगे हुए हैं चाइना के, दोनों साइड में आप देख सकते हैं, एक इधर और एक इसमें इधर, इसमें तो ये आराम से हो जाता है। इसके अंदर इसकी जो डबल टेप थी वो भी फिटिंग की हुई है अंदर ही। अच्छा, चिपक भी गया एक तरीके से ना, जिससे इसका कंट्रोल ऑटोमेटिक चिपका रहेगा इस पे। अच्छा, और चाहे तो इसको डैशबोर्ड पे रख लो, पीछे रख लो, लोग यहाँ लगा देते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे भी लग जाता है आराम से, डैशबोर्ड पे भी रख लेते हैं। बस ये तो एज पर कस्टमर चॉइस है, मतलब जिसको जहाँ पे ठीक लगे वहाँ लग जाता है इसमें। एक बार इसको ऑन करके इसको घुमा के दिखाओ, ये कितना रोटेट कर सकता है। ये हो गया इसमें फुल ऑन पॉइंट, हाँ, ये सेकंड ये फुल हो गया। अब इसको रोटेट करो 360 डिग्री, कहीं भी लेके जा सकते हैं रोटेट। अच्छा, मतलब ये इधर भी आगे पूरी हवा आगे ही चाहिए तो आगे हो जाएगी, और बैक में चाहिए तो बैक में भी हो जाएगी, ये कहीं भी ले जा सकते हैं हम इसको। ओके, तो ये इस तरीके से पूरा अच्छे तरीके से रोटेट हो सकता है, और नॉर्मल चाहे तो ये चार्जिंग पॉइंट से भी चल जाता है ना। हाँ, चार्जिंग पॉइंट के अंदर कंट्रोल होता है कि चार्जिंग पॉइंट से, मतलब अगर आपने कनेक्शन नहीं करने हो तो जो चार्जिंग पॉइंट होता है जहाँ पे हम ये चार्जर लगाते हैं उसके साथ वायरिंग लगा के इसको नॉर्मल पोर्टेबल रख सकते हैं कि आप दो गाड़ियों में तीन गाड़ियों में भी इसको यूज़ कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके से फिर आप इसको यूज़ कर पाएंगे आराम से। और इसकी लाइफ वगैरह क्या है? लाइफ का कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन लोगों का खराब होता नहीं इतनी आसानी से, मतलब गिरना टूटना नहीं चाहिए बेसिकली, वही मेन होता, है मेन इसमें। और कितना लंबा चला सकते हैं इसको, मतलब कितने टाइम? मोटा मोटी अगर आप लगाना चाहते हो, चलाना चाहते हो, उस हिसाब से कोई पर्पज नहीं है कि आप 2 से 4 घंटे तो आराम से ये चलता ही चलता है। एक कहने का मतलब है, सारे प्रोडक्ट जितने भी आते हैं ना वो चाइनीज ही होते हैं, तो अगर आप इसको यूज कर भी रहे हो तो बहुत लंबे टाइम तक यूज ना करें, थोड़ा सा इसकी मोटर को ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए बीच में बंद कर दें तो ज्यादा बेटर रहता है। जिन्होंने लंबा चलाया है ना उनको कुछ इस तरीके का रिजल्ट इसमें फिर उससे मिला है। और ऑप्शन आपके पास दोनों हैं, आप चाहें तो कहीं भी ऐसे फिक्स कर सकते हो जो एक तरीके से जुगाड़ी है, और चाहें तो इसको पोर्टेबल रख के आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, डैशबोर्ड पे चिपका दो डबल टेप लगा के जो इसके साथ में आती है,
और चार्जिंग पॉइंट से ये ऑन हो जाएगा, कोई कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। कनेक्शन करवाने हो तो फिर वो आपकी मर्जी है। परचेज लिंक वगैरह जो है वो अमेजन वगैरह पे मिल जाएगा, वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और जो भी बेस्ट होंगे प्राइस वगैरह के वो भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसमें सर एक बार ऑफ करना है, एक बार बस ये हो गया ऑफ, और डबल फैन है, एक बार ऑन करो सर। बस ये हो गया ऑन, बस इतना सा है, सिंपल है, आप किसी भी गाड़ी में यूज़ कर सकते हो, यूनिवर्सल है और पोर्टेबल है।